खुशहाल थी ये जिंदगी जब अपनों के साथ थे, खुशहाल था ये जहां भी और अलग सी कुछ बात थी। जिंदगी मौत के बीच का ये कारवां काफी लंबा चल गया और अपने देश को सुरक्षित देखे तो अब एक अरसा सा हो गया। इस वक्त के गवाह बने कई जिनके अपने ही उनसे छिन गए, पर इन दुखों को रोकने में कुछ थे जो दिन रात जुट गए। कोरोना की महामारी से जब सांसों का अकाल हुआ, लाशों की ढेर से हिंदुस्तान का बुरा हाल हुआ। फिक्र थी अपनों की, दुआओं में भी था उनका नाम, और जीवन दान देने वाले पर ही लग रहे थे इल्जाम। इल्जाम, गालियां और अपमान डॉक्टरों को ही करार दिया जाने लगा था हैवान। क्या हैवान वो नहीं जो व्यस्त है अपनी रैलियों में, जो बांट रहे कोवैक्सीन अपनी कॉर्पोरेट थैलियों में, भीड़ जमा है हर सड़क पर, हाथों में है पार्टी के चिन्ह, बिना मास्क के भटक रहे और ठूसे पैसे रहे हैं गिन। भोजन पानी के दाम बढ़े तो महंगाई से बुरा हाल हुआ, पर समय तो ये इतना विकट आ गया कि हवा का अस्तित्व भी नीलाम हुआ। पसीने से लथपथ है शरीर जिनके, बचाने को हमारी जान, उनके चेहरे की थकावट भी कर रही उनका संघर्ष बयान। देने को हजारों को जीवन गवा रहे वो अब खुद की सांस, निस्वार्थ वो फिर भी लड़ रहे जब से ये देश रहा था खास। परिवार उनके भी सह रहे, तरस रहे जो उनसे मिलने को, पर फर्ज उनका सर्वप्रथम रहेगा चाहे जान ही क्यों ना हो जाने को। वो जो सो नहीं पाए शायद पिछले कई हफ्तों से, क्या वो काबिल है सिर्फ हमारी नफरतों के? एक बरस पहले जिनके लिए बजाई पूरे देश में थालियां थी, क्यों उनके हिस्सों में अब सिर्फ गालियां थी? देश को अब नफरत की नहीं सांसों की है ज़रूरत, जब सब मिलकर साथ देंगे तभी तो बदलेगी इसकी सूरत। सिर्फ एक गुजारिश कर रहा है ये देश कि कर्तव्य हम अपना समझे, मास्क पहने और आवश्यक ना हो तो घर से ना निकले। मजहब, राजनीति और आपसी मतभेद में हम अब तक लड़े हैं बहुत, पर इस बीच छिन रही कई मुस्कानें जो अब ना आ पा रही कभी लौट। सफ़ेद कोट में लगे डॉक्टरों का साथ जब हम दे पाएंगे, तभी इस महामारी को हम दूर फेंक पाएंगे। असहयोगिता का कारण नहीं सहयोग का सिर्फ एक कारण खोजें, वैक्सीन लेकर देश को कोरोना मुक्त करने का एक जरिया बने, क्योंकि जिंदगी मौत के बीच का ये कारवां काफ़ी लंबा चल गया और देश को सुरक्षित देखे हुए अब तो एक अरसा सा हो गया।